सो भाई लोग, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि किसी भी क्रिमिनल कोर्ट्स कितना पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन भी लोग इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वही क्रिमिनल कोर्ट्स अगर आपके किसी कांड करने के कारण आपको दोषी पाता है और उसके वजह से आपके ऊपर फाइन इम्पोज करते हैं, लेकिन आप भी बहुत ढीठ आदमी हो, आप भी कोर्ट में फाइन डिपोजिट नहीं करते हो, मतलब आप डिफॉल्ट करते हो फाइन देने में, तो भी लोग इस सिचुएशन में वो कोर्ट आपके खिलाफ कौन सा एक्शन ले सकता है। तो भी लोग, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फिर में जान लीजिए, जरूर मजा आएगा। तो भी लोग, वैसे आप इंडियन पेनल कोड के किसी भी प्रोविजन में देख लो, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि दो पनिशमेंट रहता है, एक फाइन वाला और उसके साथ साथ और एक रहता है, वो है इम्प्रिजनमेंट वाला, मतलब जेल वाला। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में दोनों ही इम्पोज किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट का सजा भी दिया जाता है, उसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाता है। लेकिन मेरे लोग सोचो, ऐसा होता है कि किसी एक कांड में आप एक कांड की हो और उसके वजह से कोर्ट आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट वाला जो पनिशमेंट है वो नहीं देता है, मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन उसके बदले में कोर्ट आपको कहता है कि आपको इस केस में दोषी पाया गया है और उसके वजह से आपको इतना रुपए एज अ फाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मेरे लोग, उस सिचुएशन में आप अगर ऐसा करते हो कि आप वो फाइन डिपॉजिट ही नहीं करते हो, मतलब आप डिफॉल्ट करते हो उस फाइन को पे करने के लिए, मेरे लोग इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? तो मेरे लोग, वैसे अगर आप ऐसा कांड करते हो तो इस सिचुएशन में एज पर सेक्शन 30 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। सो मेरे लोग सोचो, ऐसा होता है कि किस कांड में कोर्ट है ये आपको कहता है कि आप गिल्टी हो, तो जब गिल्टी आपको साबित किया जाता है तो कोर्ट के सामने दो ऑप्शन रहता है, तीन ऑप्शन रहते हैं, दैट इज बोथ। देखिए, कोर्ट के सामने ऑप्शन क्या रहता है, इंप्रिजनमेंट का, उसके अलावा फाइन का, या दोनों ही, बोथ। तो मेरे लोग, इस सिचुएशन में कोर्ट इंप्रिजनमेंट आपको नहीं देता है, मतलब ए भी आउट हो गया, मतलब आपको सिर्फ फाइन इंपोज करता है आपके ऊपर, आप जो कांड करते हो उसके लिए आपके ऊपर फाइन इंपोज करता है, वो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो वे लोग, इस सिचुएशन में आपके खिलाफ जब सिर्फ और सिर्फ फाइन इंपोज किया जाता है, तो वे लोग, इस सिचुएशन में जब कोर्ट आपको कहता है कि आपको सिर्फ फाइन देना है, लेकिन उसके बावजूद दोस्त आप क्या करते हो, आप डिफॉल्ट करते हो, डिफॉल्ट करते हो, मतलब आप फाइन नहीं देते, तो उसके बाद बेड़े लोग कोर्ट क्या करेगा, क्या कोर्ट आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं बेड़े लोग, अगर आप ऐसा करते हो, तो आप ऐसा कांड अगर करते हो तो उसके बावजूद आपको क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको सजा तो मिलेगा ही। लेकिन अब सवाल आएगा कि मजिस्ट्रेट कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट को दो रूल का फॉलो करना पड़ता है। तो पहला तो ये है कि मिनिस्टर का जो पनिशमेंट गिविंग पावर है, वो तो ऐसा होता है जैसे CMM मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसके अलावा CJM। वैसे आप सबको पता होगा कि एज पर सेक्शन 29 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर ये दोनों के पास लगभग 7 साल तक का सजा दे सकता है, किसी भी पनिशमेंट में 7 साल तक का सजा दे सकता है। तो इस ये जो पनिशमेंट देगा ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेइंग फाइन, मतलब अगर फाइन देने में आप डिफॉल्ट करते हो तो 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता, ये है पहला कंडीशन। उसके अलावा 1/4 of the maximum imprisonment
ऑन डिफॉल्ट। और उसके अलावा मेरे लोग और एक रूल है कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट ऑन डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब सोचो ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कांड करते हो जिसमें दो प्रोविजन है, सोचो ऐसा होता है कि उसमें 1 साल का इंप्रिजनमेंट है, उसके साथ साथ 5,000 रुपए का आपके ऊपर फाइन देने का भी पावर है। उस केस में 5,000 रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट आपको इंप्रिजनमेंट नहीं देता है, आपको फाइन देता है। फाइन डिपॉजिट नहीं कर पाते हो तो मेरे की सिचुएशन में अगर 1/4 रेशियो में बात किया जाए तो इस पनिशमेंट का 1/4 जो पनिशमेंट होगा, जैसे 1 साल का 1/4 पनिशमेंट कितना होगा, 2.5 months। जब भी आप डिफॉल्ट करोगे फाइन देने में तब आपको इतना पनिशमेंट दिया जाएगा, 1 साल नहीं, 2.5 months। तो मेरे लोग अब सवाल आता है कि सोचो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जहां पर दो प्रोविजन है, यहां पर भी इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है एज वेल एज फाइन का भी प्रोविजन है। आपको फाइन देने को कहा जाता है और अगर आप फाइन देने में डिफॉल्ट करते हो तो इस इंप्रिजनमेंट के आपको 1/4 आपको इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। लेकिन अब सेक्शन 65 की जगह अगर 67 आ जाए, जहां पर सिर्फ फाइन का बात किया, जहां मजिस्ट्रेट को इंप्रिजनमेंट देने का कोई भी पावर नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो फाइन इंपोज कर सकता है, और उसके बावजूद अगर कोई क्या करता है डिफॉल्ट, तो मेरे को सिचुएशन में क्या होगा। तो मेरे को सिचुएशन में आपको एक चार्ट याद रखना होगा जहां पर पनिशमेंट क्या है, ओनली फाइन है, और फाइन होने के बाद भी क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। तो मेरे को सिचुएशन में आपको एक चार्ट याद रखना होगा, अगर फाइन 50 रुपए का होता है, तो सिचुएशन में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको लगभग 2 मंथ का इंप्रिजनमेंट मिलेगा। अगर फाइन 51 to 100 होता है, मतलब 51 से 100 रुपए के बीच होता है, तो सिचुएशन में पनिशमेंट होगा 4 मंथ का। अगर वही रुपीज 101 से ऊपर का है, मतलब 101 एंड अबव, तो विलिंग सिचुएशन में 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। तो लोग आपको पता चल गया होगा कि अगर फाइन इंपोज किया जाता है, अगर आप फाइन देने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको कैसा पनिशमेंट मिलेगा। अगर कोई कांड का पनिशमेंट 4 साल है, सोचो 4 साल है किसी भी कांड का पनिशमेंट, उसके साथ साथ अगर फाइन भी इंपोज किया जाता है, लेकिन कोर्ट से फाइन इंपोज करता है, उस सिचुएशन में अगर आप फाइन देने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 साल का इंप्रिजनमेंट। 1 साल क्यों, क्योंकि इस प्रोविजन में कहा गया है कि आप सिर्फ 1/4 ही इंप्रिजनमेंट दे सकते हो, तो 4 साल का 1/4 हुआ 1 साल, तो इस सिचुएशन में 1 साल का इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो मेरे को इसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं, अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर ऐसा कांड आता है तो एक मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकेगा। वैसे मेरे लोग अगर CMM मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात किया जाए तो हम सबको पता है कि इसका पनिशमेंट देने का पावर कितना है, 7 साल का। अगर इसके सामने कुछ ऐसा कांड आता है, और उस कांड का अगर पनिशमेंट 7 साल का है, जो इसका मैक्सिमम पनिशमेंट देने का पावर है, तो बिल्कुल उस सिचुएशन में हाईएस्ट वो दे सकेगा 21 मंथ का इंप्रिजनमेंट। उसके बाद अगर यहां पर आता है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट, तुम लोग इस सिचुएशन में हम सबको पता है कि ये कितना पनिशमेंट दे सकता है, वो है 3 साल तक का। अगर उसके पास भी कुछ ऐसा कांड ऐसा जैसे चोरी का, जिसका पनिशमेंट कितना है 3 साल का, लेकिन उस सिचुएशन में अगर कोर्ट फाइन इम्पोज करता है, लेकिन जिसके खिलाफ फाइन इम्पोज करता है वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो इस सिचुएशन में इसका 1/4 मींस लगभग 9 months का पनिशमेंट दे सकता है ऑन डिफॉल्ट इन पेइंग फाइन। इसके साथ साथ लोग अगर बात करा जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, तो भी लोग इस सिचुएशन में वो उसका पनिशमेंट देने का पावर कितना है 1 साल का। तो भी लोग इस सिचुएशन में 1/4 ऑफ 1 ईयर लगभग हो जाता है, मान लेते हैं 3 मंथ का, इतना ही इम्प्रिजनमेंट दे सकेगा अगर किसी के खिलाफ फाइन इम्पोज किया जाता है और कोई डिफॉल्ट करता है ऑन पेइंग द फाइन। तो मेरे लोग इस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं अगर कोई कोर्ट, कोई मजिस्ट्रेट वाला कोर्ट अगर आपके ऊपर फाइन इम्पोज करता है और उस सिचुएशन में अगर आप फाइन देने में डिफॉल्ट होते हो, मतलब अगर आप फाइन नहीं दे सके, तो मेरे लोग इस सिचुएशन में वो कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट का सजा दे सकता है, लेकिन उस इम्प्रिजनमेंट का सजा 1/4 ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द ऑफेंस, मतलब किसी भी कांड के जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कांड में जिसका पनिशमेंट 4 साल का है, अगर उस सिचुएशन में फाइन इम्पोज किया जाता है, अगर उस सिचुएशन में भी अगर फाइन पे नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उस सिचुएशन में लगभग 1 साल के लिए उसे जेल में भेज सकता है। लोग आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।